सांसद खेल स्पर्धा G20 मैराथन में पूर्व फौजी जमकर दौड़े। पूर्व फौजियों का उत्साह युवाओं से कम नहीं था। पूरे जोश में पूर्व फौजी नजर आ रहे थे। सांसद खेल स्पर्धा की जमकर तारीफ कर रहे थे। सांसद खेल स्पर्धा G20 मैराथन में पूर्व फौजियों ने भी जमकर दम दिखाया। पूरे उत्साह के साथ पूर्व फौजी सांसद खेल स्पर्धा G20 मैराथन में शामिल हुए। हमारे बीच में कितना उत्साह दिखाई दिया। मैं कैप्टन महेश कुमार शहर, आज सांसद खेल स्पर्धा है। हमारे फौजियों में इतना उत्साह देखिए, हमारे फौजी पूर्व सैनिक इतना जोश, ऐसा लग रहा है कि आज हम कितना जरूरी है। ये बहुत ही एक नेशनल स्पिरिट है, ये बहुत जरूरी भी है और होना भी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य अच्छा लग रहा है। सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से युवाओं में एक जोश का और अनुशासन दिखाई देता है और सांसद जी की इस पहल से और बहुत अच्छा और सुंदर ये तरीके का आयोजन होना चाहिए। बिल्कुल बराबर होना चाहिए आयोजन। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं में एक अनुशासन दिखाई दे। दौड़ना कितना जरूरी है। दौड़ना इसलिए जरूरी है कि शारीरिक फिटनेस के लिए दौड़ना बहुत अनिवार्य है। दूसरा, जो G20 आज जो मैराथन रेस हो रही है, इसमें इस सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रांगण में इससे खिलाड़ियों में उत्साह भी बढ़ता है। दूसरा, खेलों में कंपटीशन की भावना होती है और जिससे रंग बिरंगे जो यहाँ पर टीमें हैं उनको देख करके बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो ग्राउंड है ऐसे सजा हुआ है जैसे कि दीपावली के दिन घर सजाए जाते हैं। और मैं कैप्टन ललक सिंह परमार, इंडियन बैटन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट आगरा प्रेसिडेंट, अपनी टीम के साथ इस G20 स्पर्धा जो धावक प्रतियोगिता है उसमें देखने आया हूँ। बहुत सुंदर है। दौड़ हर खेल के लिए जरूरी है। हाँ, रनिंग खेल के लिए, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, हर एक तरह से अपना अनुशासन ही बनता है। और अपने यंगस्टर है, जवान है, यंग है, उनको भविष्य में सुधार के लिए अच्छा रहता है। दौड़ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ही दौड़ना बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कोऑपरेशन भी बनता है और स्टैमिना भी बनती है। आप तो आज भी युवा हैं, सब युवाओं के लिए कितना जरूरी है दौड़। युवाओं के लिए फिजिकल फिटनेस है, तभी तो हमारी इंडियन फोर्स बेस्ट हो जाता है। फिजिकल बॉडी अगर फिट है तो पता चलेगा कहाँ लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। और आज उस गैदरिंग को देख करके पता चल रहा है कि विश्व में प्रथम स्थान भारत ने पा लिया है, पीएम मोदी की देखरेख में उसका प्रचलित हो रहा है जमाने में। कैसा लग रहा है नज़ारा? बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये सब मोदी जी की देन है। और दौड़, अगर आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अच्छे रहना है, अपने जीवन को बहुत अच्छे स्वस्थ जीवन यापन करना है तो दौड़ बहुत जरूरी है। धन्यवाद। दौड़ जीवन में बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं तमाम सारे पूर्व फौजी हैं, जो सेना के अंदर भारतीय सेना हो या फिर वायुसेना हो या फिर जल सेना हो, अधिकारी रहे, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें बहुत खुशी है हमारे आगरा शहर के लिए ये मैराथन दौड़ होती है। ये हमारे हेल्थ के लिए और हमारे जो इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन ये दौड़ हमारे शरीर के लिए इतना अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छा और पूरे शरीर को जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, मतलब मस्त रनिंग इज वेरी मस्त। ये हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे परिवार हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और ऐसी प्रतियोगिताएं मोदी जी या फिर ये हमारे मंत्री जी हमेशा कराते रहे, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ और अच्छे रहें। ऐसा आयोजन होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। ये ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। और ये आयोजन SP सिंह बघेल साहब ने करा करके हम लोगों में जोश भर दिया है और हम सारे फौजी और बच्चों सहित बहुत ही जोश में हैं। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए था। मेरा सुन हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और ये SP सिंह बघेल साहब जो करा रहे हैं बहुत अच्छा करा रहे हैं, ये अच्छी प्रेरणा जाएगी। आप समझ सकते हैं पूर्व फौजी कितने उत्साह में है, और ऐसा उत्साह जैसा उत्साह युवाओं में दिखाई देता है उसी तरीके से पूर्व फौजी में भी उत्साह दिखाई दे रहा। और इसी उत्साह के साथ पूर्व फौजी मिनी मैराथन में शामिल हुए, युवाओं का उत्साह पूर्व फौजियों ने बढ़ाया। और इनका कहना है कि इसी तरीके के आयोजन लगातार होने चाहिए, जिससे लोगों का मनोबल बढ़ता रहे, युवाओं का जोश बढ़ता रहे और भारत भी आगे बढ़ता रहे। अपने साथी इकबाल के साथ राकेश कनौजिया, C News आगरा।